तो फ्रेंड्स देखिए अभी हम हैं आगरा एक्सप्रेस वे पर और 5 मिनट में तो टोल से हम क्रॉस कर गए और आगरा 7वां आश्चर्य है उसको देखने के लिए आने वाले हैं। तो ये शहर भी बिल्कुल सज धज के G20 के लिए यहाँ है और चौराहों पर गोलंबर पर बहुत अच्छे स्टैचू है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन, आप सबों का हमारे चैनल एस नेक्स्ट पर स्वागत है। अभी हम लखनऊ में हैं, अभी लखनऊ से निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम लखनऊ से आगरा के रास्ते पर हैं, आगरा एक्सप्रेसवे पर, और अभी हम आगे एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। तो अभी हम लोग आगरा की ओर निकल रहे हैं लखनऊ से, लगभग लखनऊ शहर से निकल चुके हैं। तो हम लोग आगरा एक्सप्रेसवे पर आने वाले हैं। तो लखनऊ से आगरा का आज सफ़र होने वाला है। अब नवाबों के शहर से मोहब्बत की नगरी में चलेंगे हम लोग आगरा, जहां ताजमहल को देखेंगे, फोर्ट देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें क्या सब देख सकते हैं, वहीं चल के अगला ब्लॉग आगरा को एक्सप्लोर कर लेंगे। तो अभी हम चल रहे हैं आगरा के लिए और हम हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के पास। एक्सप्रेसवे पर चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। 2-3 किलोमीटर एक्सप्रेसवे रह गया है, 2-3 किलोमीटर के बाद एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगी। तो अभी तो हम चल रहे हैं लखनऊ से, तो पहले आगरा जाएंगे, फिर राजस्थान की तरफ जाएंगे, राजस्थान में कुछ दिन रहेंगे, राजस्थान में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे। बट लखनऊ में बहुत सारा चीज़ अभी भी रह गया है, तो लखनऊ में हम फिर लौट के जो आएंगे तो फिर हम लखनऊ होके ही पटना आएंगे। तो लखनऊ में बाकी चीज़ों को अभी भी कुछ फेमस चीज़ें अभी एक्सप्लोर करना बाकी रह गया है, तो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अभी आगे चलते हैं और जब रिटर्न होके आएंगे तो बाकी चीज़ों को लखनऊ में फिर से एक्सप्लोर करते हुए पटना वापस आएंगे। तो ये सारा मेरा प्लानिंग है। तो चलिए, अभी तो चल रहे हैं आगरा, आगरे का ताजमहल देखना है, आगरे का फोर्ट भी देख लाएंगे आपको, और देखिए सबता भी रेडी हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए आप लोग को भी ले चलते हैं घुमाने। अभी सनराइज हुआ है थोड़ा देर पहले, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ रोटरी पर, सनराइज का व्यू देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग एक्सप्रेस वे पर इन किए हैं, तो ये रोटरी बना हुआ है, ये दिखलाते हैं आपको। जैसा आपको हम पूर्वांचल पर दिखलाए थे रोटरी, वैसा ही यहाँ का भी व्यू है। और देखिए इधर सामने में एक्सप्रेस वे लगभग शुरू हो गया है, टोल प्लाजा आगे मिलेगा, बट एक्सप्रेस वे शुरू हो गया है। अभी चूँकि इन कर रहे हैं तो अभी आगे चल करके हमें 6 लेन भी दिखाई देगा, और अभी एकदम मॉर्निंग का समय है और समय हुआ है 7:49 लखनऊ से। और देखिए एक्सप्रेस वे पर प्रारंभ लिख दिया है, बैनर में लगा हुआ है बोर्ड पर। आगरा 316 किलोमीटर, आगरा 316 किलोमीटर का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। एक्सप्रेस वे है, आप देख रहे हैं कि ये एक्सप्रेस वे पर आ गए हम लोग, और ये 6 लेन का एक्सप्रेस वे पर अभी आगे बढ़ रहे हैं। और इस रास्ते में तो बहुत सारे रेस्ट रूम वगैरह जितने भी चीज़ें, सारी चीज़ें जो है सो ओपन हो चुकी है। अब तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी सारी चीज़ें ओपन हो चुकी है। अभी हम आगरा एक्सप्रेस वे पर टोल गेट के पास पहुंच चुके हैं, और
पूरा फास्टैग को कवर कर लिए हैं, क्योंकि अभी फास्टैग की जरूरत नहीं होगी। और हमारे साथ ये अब कॉस्ट जो है सो यहाँ से निकलने वाली है, तो देखते हैं। देखिए कार्ड की फैसिलिटी है, तो देखते हैं कार्ड काम कर गया और टोल प्लाजा से निकल गए। फैसिलिटी नहीं रहेगी तो फिर हम लोग फास्टैग यूज करेंगे जब मैं ड्राइव करूंगा। अभी हम टोल प्लाजा से आगे बढ़े हैं। कितनी सुंदर सड़कें हैं, और जब सड़कें इतनी सुंदर हो, इतने लाजवाब हो, एक्सप्रेस वे हो, तो फिर यात्रा का आनंद दुगुना चौगुना हो जाता है। और जब आप अपनी गाड़ी से आइएगा, जो खुद से गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं, फैमिली के साथ आइएगा, और जब एक्सप्रेस वे से चलिएगा, अब तो पूरे इंडिया में एक्सप्रेस वे ही एक्सप्रेस वे हो गया है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से पहले यही आगरा एक्सप्रेस वे इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे हुआ करता था, क्योंकि आज के डेट में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सबसे बड़ा, सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। और अब तो दिल्ली मुंबई वाली एक्सप्रेस वे शुरू होगी, तो वो सबसे लंबी एक्सप्रेस वे हो जाएगी। उसका भी फेज वाइज अब इनोवेशन होने जा रहा है। और इंडिया में एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको बताना चाहते हैं कि इंडिया का सबसे पहला एक्सप्रेस वे पुणे मुंबई, मुंबई पुणे वाली एक्सप्रेस वे इंडिया का सबसे पहला एक्सप्रेस वे बना था। और अब तो बिहार में भी एक्सप्रेस वे वगैरह बनने का प्लानिंग चल रहा है, और एक्सप्रेस वे बनेगा ही बनेगा। तो चारों तरफ डेवलप हो रहा है, पूरा इंडिया डेवलप हो रहा है, और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पूरा एक्सप्रेस वे का, हाईवे का जाल बिछ गया है पूरा इंडिया में। तो गाड़ी निकालिए, अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करना चाहते हैं तो खुद से भी ड्राइव कीजिए, या ड्राइवर लेके चलना चाहते हैं ड्राइवर लेके चलिए, बट रोड ट्रिप का आनंद का एक अलग मज़ा होता है। तो जब आप फैमिली के साथ रोड ट्रिप कीजिएगा, तब वो आनंद निश्चित रूप से उठाइएगा। अभी दिखलाते हैं एक्सप्रेस वे भी कैसे चल रहा है। पढ़ना भेज दें, तो इस बात का ध्यान रखें। और जब आप लिमिट स्पीड में चलाएंगे तो सेफ चलेंगे, तो सेफ जर्नी का हमेशा ध्यान रखा जाए। और चलिए आगे, कहाँ कहीं रेस्ट रूम में हम लोग ब्रेक ब्रेक करेंगे। अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सिर्फ चाय पी के चले हैं, अभी तो फ्यूल भी लेना बाकी है। चलिए हमारे साथ। इटावा 191 किलोमीटर है, आगरा 300 किलोमीटर बच गया। अभी हम लोग आगरा एक्सप्रेसवे पर हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरह से कंक्रीट रोड है, तो ये इमरजेंसी फ्लाइट लैंडिंग के लिए, डिफेंस के फ्लाइट लैंडिंग के लिए ये पर एयर स्ट्रिप बनाया गया है। और हमारे राइट साइड जो आप देख रहे हैं डिवाइडर, इसमें हुक्स लगे हुए हैं, तो इसको इजीली यहां से मूव किया जा सकता है, और फिर एरोड्रम ऐसा यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग किया जा सकता है। तो वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बना हुआ था, और ये आगरा एक्सप्रेस वे पर भी बना हुआ है। तो ये आपसे हम इंफॉर्मेशन
शेयर करना चाह रहे थे और ये आप अच्छे से हुक्स को देख रहे होइएगा, जिसे इमरजेंसी में यस चेंज कर दिया जाता है और इसको फ्री कर लिया जाता है प्लेन को लैंड करने के लिए। और ये जैसे ही कंक्रीट रोड कंप्लीट हो जाएगा तो एयर स्ट्रीट का ये एरिया पूरा हो जाएगा और फिर से वो रोड जो ब्लैक वाला रोड है वो आ जाएगा। तो ये एयर स्ट्रीट की वजह से ही ये कंक्रीट वाली रोड बनी हुई है एक्सप्रेस वे पर। तो अब जब भी एक्सप्रेस वे बनता है तो वहाँ पर इमरजेंसी फ्लाइट लैंडिंग के लिए जो है सो यहाँ पर सरस्वती के यहाँ पर अब फिर कंक्रीट रोड ख़त्म हो गया और ये डामर रोड शुरू हो गया। तो कुछ दूरी तक आपको ये और रखे हुए मिलेंगे डिवाइडर पर बुक्स वाले, थोड़ा सा एरिया और ज़्यादा कवर कर लिया जाए और फिर से नॉर्मल जो एक्सप्रेसवे का है डिवाइडर ये शुरू हो जाता है। तो बड़े अच्छे एक्सप्रेसवे के नज़ारे हैं और हरदोई 500 मीटर के बाद उसका कट है, हरदोई यहाँ से लेफ्ट हो जाएगा, उन्नाव के लिए भी यहाँ से लेफ्ट मोड़ना पड़ेगा। तो अब 238 किलोमीटर और बच गया है, 238 किलोमीटर और हमें आगरा के लिए ये एक्सप्रेसवे से आगे बढ़ना है और हम आगरा एक्सप्रेसवे पर कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक कोई ब्रेक नहीं लिए हैं, आगे हमें फ्यूल भी लेना है तो आगे जैसे ही हमें पंप मिलता है हमें उसका इंतज़ार है, फ्यूल ज़रूरी है, पता नहीं कितने किलोमीटर के बाद फ्यूल मिलेगा। तो फ्यूल लेने के लिए आगे हम वेट कर रहे हैं कि कहाँ पर पंप मिलेगा पेट्रोल पंप। चलिए फिर आगे आपको हम निकलाते हैं फ्यूल लेते हैं, फ्यूल का रेट बताते हैं। अभी हमें एक पंप का सिग्नल मिला कि हम पंप हैं और काफ़ी सारे फूड कोर्ट्स भी हैं तो यहाँ से हमने कट ले लिया है और हम आ गए हैं पंप पर। ये रिलायंस का पंप है, ये फूड किंग का ये फूड प्लाजा भी है। अभी तो पहले हम फ्यूल लेते हैं, अभी थोड़ा सा हम लोग के पास जो खजूर वगैरह था घर से बना के लाए थे वही खाए हैं और अभी इतना मॉर्निंग तो कुछ ब्रेकफास्ट करने का क्या, अभी कुछ ब्रेकफास्ट करने मन कर रहे क्या, देखते हैं पहले डीजल फुल करा रहे हैं और रेट है 93 रुपीज 3 पैसे पर लीटर, रिलायंस जियो का है। अच्छा है ही, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसलिए कि वो एकदम बिल्कुल नया बना हुआ है, यहाँ बीच बीच में कहीं कहीं पर पैचअप किया गया है रोड को, तो इससे बेटर फील ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ। तो आप लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी आए होंगे और फिर आगरा एक्सप्रेसवे पर भी आए होंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा एक्सप्रेसवे पर आप बेटर फील किए हैं, तो वो आप जो है सो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी बहुत मज़ा आ रहा है, तो आप लोग को आगे दिखलाते हैं कि आगरा कितना किलोमीटर बाकी रह गया है पहुंचना। अभी भी हमें लगता है कि 200 से ज़्यादा 223 किलोमीटर आगरा अभी और बच गया है। तो चलिए आगरा पहुंचने
जाने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। आगरे का पेठा भी खाने का मन है, आगरे का ताजमहल देखने का सबसे ज़्यादा उत्सुकता है, और आगरे का फोर्ट, वो बहुत खूबसूरत फोर्ट है, हमने पहले देखा है, बट आपको इस बार दिखाने के लिए और ज़्यादा हम एक्साइटेड हैं। तो अभी बहुत मज़ा आ रहा है गाड़ी ड्राइविंग करने में, चलिए भाई साहब। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम हैं आगरा एक्सप्रेस वे पर और 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लिए हैं, साउंड बहुत तेज आ रही है, 5 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक लिए हैं और हम आगरा एक्सप्रेस वे पर हैं, और आप देख रहे हैं बोर्ड हमारे सामने लगा हुआ है, इटावा इसी रास्ते में है, और सफाई भी है, इटावा 76 किलोमीटर, इटावा 76 किलोमीटर, सफाई 71 किलोमीटर, और आगरा 187 किलोमीटर। तो 187 किलोमीटर बच गई है, मतलब कहने का कि अब 2 घंटे से भी कम समय की यात्रा हमारी आगरा तक की बच गई है। तो चलिए अब शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर से एक बार रफ्तार भरते हैं। तो संता भी रेडी है, और थोड़ा सा हुआ कि हाथ पैर सीधा कर ले, तो थोड़ा सा गाड़ी रोके थे बस शॉर्ट ब्रेक के लिए, और फिर चलते हैं एक्सप्रेस वे पर। चलिए आप भी मेरे साथ। तो फ्रेंड्स हम टोल प्लाजा के पास पहुंच गए हैं, और देखिए ये टोल प्लाजा आगरा एक्सप्रेस वे का एंड वाला है, और हमारे पास अभी फ्री वाला एंट्री पास है, तो फ्री वाला पास है, तो मेरे को तो अभी टोल नहीं कटेगा। देखिए हम कवर किए हुए हैं, अभी फास्टैग कवर किए हुए हैं, क्योंकि जब तक फ्री वाला है तब तक फ्री वाला कार्ड से मुझे ये भी पता नहीं चलेगा कि कितना टोल लग। तो टोल से हम क्रॉस कर गए, और आगरा एक्सप्रेस वे पर भी टोल नहीं देना पड़ा, बट टोल तो लगता है, मेरे पास चूँकि फ्री कार्ड था उस कारण से नहीं अभी टोल लग रहा है। अब हम आगरा में प्रवेश करेंगे। तो अब हम एक्सप्रेस वे से आ गए हैं आगरा शहर में, और आप आगरा शहर को देख पा रहे होंगेगा, आगरा शहर बहुत खूबसूरत लग रहा है, वेल मेंटेन लग रहा है, और अभी कहीं से ताजमहल का तो शिखर दिखा नहीं है, बट ताजमहल जब जाना ही है हमें एक्सप्लोर करने के लिए, तो फिर कोई जल्दीबाजी नहीं है, और अभी हम जाएंगे गेस्ट हाउस, हम लोग अभी होटल में नहीं रुक रहे हैं, चूँकि ऑफिशियल गेस्ट हाउस में जाएंगे, तो हम वहाँ कैमरे अलाउड नहीं है इसलिए वहाँ हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अभी हम लोग जाएंगे गेस्ट हाउस, और फिर फ्रेश होकर के बहुत जल्द निकलेंगे ताजमहल के लिए। तो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, ताजमहल का नेक्स्ट ब्लॉग आ रहा है, फिर फोर्ट सिटी का आ रहा है, फोर्ट का, ताजमहल का फोर्ट का आ रहा है। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पर क्लोज करते हैं, हम लखनऊ से पूरा रोड एक्सप्लोर करते हुए आए हैं, और अब हम इस ब्लॉग को यहीं पर क्लोज करते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में फिर से, बाय बाय। तो देखिए ये है इसका ताजमहल के अंदर का मुख्य द्वार, और कितना खूबसूरत दिख रहा है, इतना मैं इसके और नज़दीक चल कर के फिर से हम आपको इसके नज़ारे को और थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ इसके पास ले चलते हैं। कौन ले रही है?